अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MNH फैमिली व्लॉग्स। तो जी, रमज़ान मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से। आज मैं आपके साथ जो है अपना 12th रोज़ा, 12वें रोज़े का जो अफ्तार व्लॉग है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और यार बेल का बटन यहाँ से दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का, व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग्स को इंजॉय कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम जो हैं वो वेजिटेबल पकोड़े बना रहे हैं। उसके सारा मैंने जो है तैयार करके रख दिया है उसको, और उसके साथ साथ हम समोसे जो हैं वो बना रहे हैं। समोसों के लिए जो है वो चिकन और आलू वगैरह का बना के सारा मेज़ा रखा हुआ है, उसके अंदर फिलिंग करने के लिए जो बना चीज़ें डालनी थी, और इसके अंदर थोड़ी सी मैक्रोनी भी डाली हुई है। और उसके अलावा दही भल्ले बन रहे हैं, दही भल्ले जो हैं उसके भी सारा सामान रेडी कर दिया हुआ है, बस उसमें दही जो है वो डालेंगे। और इसके अंदर मैं जो है भलियों का वेट कर रही, थोड़ी सी भलियां मेरी सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें हम दही के अंदर पुदीने की चटनी और चाट मसाला शामिल करेंगे और उसमें दही भल्लों में डाल देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं कह रही थी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यार। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे व्लॉग्स मिलेंगे और आप मेरे व्लॉग्स का इंजॉय कर सकेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ओके जी, ये जो एक्स्ट्रा समोसा रोल पट्टी जो लेते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा फट जाती हैं या हो जाती हैं वेस्ट, उनको मैं रख लेती हूँ और उनको हम फ्राई कर लेते हैं। फिर बाद में मैं जो है उनको दही भल्लों के ऊपर डाल लेती हूँ पापड़ी के तौर पर। बहुत ही अच्छी लगती है, क्रच क्रच करके जब खाते हैं तो मुँह में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें, मैं जी जो दही है उसको फेंट रही हूँ, उसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी पुदीने की एक चम्मच चटनी भी डाल दी है साथ, और ये इसके अंदर हम जो है अब दही शामिल कर देंगे। और ये हमारे जो हैं दही जो है दही भल्ले वो रेडी हो जाएंगे, आलू चने और ये समोसे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो वहाँ पे पकोड़े थोड़े से फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद हम ये अपने समोसे रेडी करेंगे। तो ये थोड़ी सी मेरी जो है इफ्तार की रूटीन थी, मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको अच्छी लगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है और चैनल यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके बाद आज इफ्तार जल्दी बन गई थी तो बच्चे जो हैं वो उन्होंने थोड़ी सी नैप ले ली थी, सो गए थे, बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी। और क्या कहते हैं, मैं थोड़ी देर वेट करती थी, मोबाइल पर थोड़ा सा काम किया अपना, उसके बाद फिर बाहर बारिश देखने गई कि कितनी ज़्यादा हो रही है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस एरिया से हैं और आपके वहाँ पर कितनी बारिशें हो रही हैं। तो अफ्तार के टाइम से थोड़ी देर पहले फिर मैंने इनको उठा दिया था ताकि ये अफ्तारी कर सकें। तो इसके साथ ही मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी रेनी डेज़ भी जो है उनको इन्जॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।